बिहार के लगभग सभी दल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए लाइन में लगते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस तो लड़ाई लड़ रही है। मूलतः बिहार की राजनीतिक पार्टियों के तौर पर पहचाने जाने वाले जदयू, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ ही अब राष्ट्रीय लोकदल जनशक्ति पार्टी ने भी यूपी चुनाव में उतरने का इरादा जाहिर किया है। अगर यह बात पुष्ट हो जाती है तो यूपी के चुनावों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी वोट मांगते दिखेंगे। आपको बता दें कि जदयू भाजपा के साथ मिलकर यूपी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं वीआईपी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकती दिख रही है। भाजपा और सहयोगी दलों को जीत दिलाने की कोशिश। अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भागीदारी पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कार्य समिति फैसला लेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया कि ये कार्य समिति जो फैसला लेगी उसी के आलोक में यूपी में चुनाव लड़ने पर कोई कदम बढ़ाया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूपी चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल प्रचंड बहुमत से जीते। इसके लिए राजग के घटक दल के नेता के रूप में राजग के पक्ष में हम प्रचार जरूर करेंगे। मौर्य वंश को याद कर एकजुट होने के लिए भरे ओंकार, यह कहना है सम्राट चौधरी का। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कुशवाहा समाज के लोगों को संगठित, सजग और शिक्षित होने की जरूरत है। कुशवाहा समाज को मौर्य वंश भगवान श्री राम एवं भगवान बुद्ध का वंशज बताते हुए सम्राट अशोक के शौर्य और पराक्रम के साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया। सम्राट चौधरी कुशवाहा कल्याण परिषद के बैनर तले पटना के जक्कनपुर स्थित कुशवाहा कल्याण परिषद भवन में आयोजित कुशवाहा परिवार मिलन समारोह सवनभोज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मंत्री ने कुशवाहा कल्याण परिषद भवन के ऊपर कुशवाहा छात्रावास भवन का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री की मन की बात से आशा का संचार, यह कहना है संजय जायसवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की प्रशंसा करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि देशवासियों में एक आशा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ओमिक्रॉन की आहट को देखते हुए वर्ष के आखिरी एपिसोड में न केवल लोगों का हौसला बढ़ाया बल्कि कोरोना के इस वेरिएंट से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध स्तर पर किए जा रहे रिसर्च व अन्य कार्यों पर चर्चा भी की। उन्होंने सामूहिक शक्ति के महत्व पर बल देते हुए सभी से सजग व अनुशासित रहने का आग्रह भी किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।